भगवान शिव हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक हैं। वे त्रिदेवों में से भी एक हैं, जिसमें भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु शामिल हैं। भगवान शिव को विनाश और रचना का देवता माना जाता है। भोलेनाथ की पूजा करना बेहद ही उत्तम और फलदायी होता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हम उन्हें कई चीजें चढ़ाते हैं, जैसे पवित्र जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग, फूल, फल, ये सब। लेकिन आपने कभी सोचा है कि भोलेनाथ को ये सब चीजें क्यों चढ़ाई जाती हैं? तो चलिए जानते हैं, आपको बताते हैं इस वीडियो में कि भोलेनाथ को क्यों चढ़ाया जाता है जल, दूध और भांग। सबसे पहले जान लेते हैं कि भोलेनाथ को जल क्यों चढ़ाया जाता है। जल को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। भगवान शिव को पवित्रता और क्षमा का देवता माना गया है, इसलिए उन्हें जल चढ़ाकर उनकी पवित्रता का सम्मान किया जाता है। जल जीवन का प्रतीक है। भगवान शिव को सृष्टि के देवता के रूप में भी जाना गया है, इसलिए उन्हें जल चढ़ाकर उनके जीवनदायी स्वरूप की पूजा की जाती है। भगवान शिव को गंगा नदी का अवतार माना गया है। गंगा नदी को भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है, ये तो हम सभी जानते हैं, इसलिए भगवान शिव को जल चढ़ाकर गंगा नदी के प्रति श्रद्धा व्यक्त की जाती है। जल को पापों को नाश करने वाला माना जाता है। भगवान शिव को पापों को क्षमा करने वाला देवता माना गया है, इसलिए उन्हें जल चढ़ाकर अपने पापों के लिए क्षमा मांगी जाती है। भगवान शिव को जल चढ़ाने से सभी मनोकामना पूरी होती है और सभी चीजें धीरे धीरे जो आपके मन में चल रही होती हैं वो पूरा होना शुरू हो जाती हैं। अब आपको बता देते हैं कि क्यों चढ़ाया जाता है भोलेनाथ को दूध। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं और सभी भोलेनाथ को अभिषेक करते समय दूध जरूर चढ़ाते हैं, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि भोलेनाथ को दूध क्यों चढ़ाया जाता है। दूध को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। भगवान शिव को पवित्रता और क्षमा का देवता माना जाता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इसलिए भोलेनाथ को दूध चढ़ाया जाता है, क्योंकि पवित्रता का सम्मान हो और पवित्र दूध के साथ भोलेनाथ का अभिषेक भी किया जाता है। दूध जीवन का प्रतीक है। भगवान शिव को सृष्टि के देवता के रूप में जाना गया है, इसलिए उन्हें दूध चढ़ाकर उनके जीवनदायी स्वरूप की पूजा की जाती है। समुद्र मंथन के समय निकले विष को भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया था, जिसके कारण उनका शरीर नीला पड़ गया था। माना जाता है कि दूध भगवान शिव के शरीर से विष को बहाकर निकालने में मदद करा था, इसलिए भगवान शिव को दूध चढ़ाने से उनका जो विष था वो कम हो गया था। तभी से भगवान भोलेनाथ को दूध चढ़ाया जाता है और कहा जाता है कि जो भोलेनाथ का दूध चढ़ाकर अभिषेक करता है उसकी भोलेनाथ जल्द मनोकामना पूर्ण भी करते हैं। अब जान लेते हैं कि भोलेनाथ को भांग क्यों चढ़ाई जाती है। जी हाँ, आपने कई बार देखा होगा कि भगवान भोलेनाथ को भांग चढ़ाई जाती है, भांग से श्रृंगार किया जाता है, लेकिन ऐसा क्यों है ये भी जान लीजिए। भगवान शिव को भांग चढ़ाई जाती है क्योंकि भांग को एक पवित्र भोग माना गया है। जी हाँ, भांग को आनंद और उल्लास का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव को आनंद के देवता के रूप में भी जाना गया है, इसलिए उन्हें भांग चढ़ाकर उनके इस स्वरूप की पूजा की जाती है। भांग को ध्यान और समाधि में सहायक माना जाता है। भगवान शिव को ध्यान के देवता के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए उन्हें भांग चढ़ाकर ध्यान में एकाग्रता प्राप्त करने की प्रार्थना की जाती है। भांग को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना गया है। भगवान शिव को मोक्ष के दाता के रूप में भी पूजा जाता है, इसलिए उन्हें भांग चढ़ाकर मोक्ष प्राप्ति की कामना की जाती है। भांग को पापों का नाश करने वाला भी माना गया है। भगवान शिव को पापों को क्षमा करने वाला देवता भी माना जाता है, इसलिए उन्हें भांग चढ़ाकर अपने पापों के लिए क्षमा मांगी जाती है। भांग को भगवान शिव द्वारा ग्रहण किए गए विष का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव को विषहारी के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए उन्हें भांग चढ़ाकर उनकी इस शक्ति का सम्मान किया जाता है। भांग को तृष्णा और इच्छाओं का प्रतीक माना गया है। भगवान शिव को तृष्णा और इच्छाओं को त्याग देने वाला देवता भी कहा जाता है, इसलिए उन्हें भांग चढ़ाकर उनसे तृष्णा और इच्छाओं से मुक्ति प्राप्त करने की प्रार्थना की जाती है। भगवान को ब्रह्म और माया का प्रतीक माना जाता है।
भगवान शिव को संसार के भ्रम और माया से मुक्त प्रदान करने वाला देवता माना गया है, इसलिए उन्हें भांग चढ़ाकर उनसे संसार के भ्रम और माया से मुक्ति प्राप्त करने की प्रार्थना की जाती है। लेकिन आपको बता दें कि भगवान को भांग आपको चढ़ानी है, लेकिन भांग को खुद ग्रहण नहीं करना।